तीन विधानसभा की सीट पर उपचुनाव आज हो रहे हैं। कुछ ही देर के बाद सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीट पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं और सबसे बड़ी बात वो ये है कि कोरोना की गाइडलाइंस के बीच ये पूरा का पूरा चुनाव एक तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन जितने भी पोलिंग बूथ पर चुनावी प्रक्रियाएं दिखाई पड़ रही हैं, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए वोटिंग होगी। सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी, मास्क भी जरूरी। और सीट के हिसाब से अगर आपको देखें तो सुजानगढ़ सीट पर 274,792 मतदाता हैं। यहां पर चुनाव मैदान में 9 प्रत्याशी, वोटर की संख्या और क्षेत्र के हिसाब से कुल 418 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं। शहरी इलाके में 88 बूथ और ग्रामीण इलाके में 179 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2600 के आसपास वोटिंग के दौरान पुलिस बल तैनात रहने वाला है। 35 पुलिस मोबाइल पार्टीज क्षेत्र में लगातार मॉनिटर करेंगी। बीजेपी की तरफ से खेमाराम मेघवाल, कांग्रेस की तरफ से मनोज मेघवाल चुनाव मैदान में। सहाड़ा की बात करें, यहां पर 247,400 मतदाता प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला आज करने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर रतनलाल जाट मैदान में हैं, कांग्रेस की तरफ से गायत्री देवी मैदान में हैं, जबकि राजसमंद में 222,370 कुल मतदाता हैं और वोटिंग के लिए 340 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं और मतदाता यहां 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। जहां तक बात यहां पर कास्ट बेस्ड वोटर्स की है तो एससी वोटर बाहुल इलाका है ये, और बीजेपी की तरफ से दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी और कांग्रेस की तरफ से तनसुख बोहरा मैदान में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। इस वक्त राजसमंद में अविनाश जगनावत हैं, सहाड़ा में मनवीर हैं, इसके अलावा हमारे साथ रौनक व्यास सुजानगढ़ में मौजूद हैं। सीधे रुक करते हैं, सबसे हॉट सीट अगर देखा जाए इस पूरे में तो सहाड़ा की बनी हुई है। लगातार आरएलपी को लेकर यहाँ पर सवाल किए जा रहे थे मनवीर, कि यहाँ पर आरएलपी का कहीं ना कहीं एक अलग असर है। हनुमान बेनीवाल भी लगातार जब प्रचार करने पहुंचे तो उस तरीके की एक ऊर्जा दिखाई पड़ रही थी और जिस तरह से वोटर्स से अपील कर रहे थे, तो ये तो जरूर समझ में आता है कि इन तीनों ही सीट पर कहीं ना कहीं आरएलपी इन दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने का मादा तो रखती है। मनवीर, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरएलपी ने बहुत सशक्त अंदाज के अंदर इस पूरे चुनाव मैदान में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाया है, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये अब मतदाताओं पर निर्भर है। और बात अगर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की हम कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उसके साथ आरएलपी, ये तीन राजनीतिक दल चुनाव मैदान में है और उसके साथ साथ पाँच जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय के रूप में हैं। सुबह 7 बजे का समय हो चुका है और जो मतदान की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अगर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो कुल 247,400 मतदाता इन 8 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें से अगर महिला मतदाताओं की बात करते हैं तो 121,628 महिला मतदाता हैं और पुरुष मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 122,697 मतदाता पुरुष मतदाता हैं। 387 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वो कांग्रेस की उम्मीदवार गायत्री देवी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रतनलाल जाट और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार बद्रीलाल जाट के मध्य है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2,500 पुलिसकर्मियों की तैनातगी इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर की गई है। संवेदनशील बूथों की अगर हम बात करते हैं तो 53 संवेदनशील बूथ यहां पर बनाए गए हैं। और वहीं अगर पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की दृष्टि से इस विधानसभा क्षेत्र को हम देखने की कोशिश करते हैं तो 66 पंचायत समिति हैं और वहीं 283 ग्राम पंचायतें हैं।
तमाम तरह की जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी। आज मतदान होना है और क्योंकि ये मतदान कोरोना काल में हो रहा है और जिस तरीके से लगातार भीलवाड़ा में कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है, उसी के मद्देनजर ये तय किया गया है कि तमाम मतदान केंद्रों के ऊपर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन हो, चाहे बात सोशल डिस्टेंसिंग की हो, मास्क की हो और या फिर सैनिटाइजर की हो, ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं ताकि कोई भी मतदाता बड़ी आसानी के साथ में मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करे। और कुछ ही देर में जब यहाँ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगेंगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह का मतदाताओं का रुझान सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से देखने को मिल रहा है। जी साहिर मनवीर, और निश्चित रूप से जब भी चुनाव होते हैं तो एक अलग तरीके का माहौल होता है। वोटर्स पार्टियों के लिए भी उनका अपना कोर वोटर होता है, कुछ फ्लोट कर जाते हैं अलग अलग तरीके से। कन्वेंशनल लेवल पर भी वोटिंग हमने देखी है चुनावों के दरमियान, यहाँ पर क्या स्थिति होगी देखेंगे। लेकिन अविनाश जगनावत राजसमंद में है, राजसमंद की सीट भी बड़ी हॉट सीट कही जाती है, कहीं ना कहीं एक सहानुभूति वोट बैंक को लेकर भी पार्टियाँ इस बार के चुनाव में तीनों सीट पर दिखाई पड़ी हैं और एक कोशिश बीजेपी की तरफ से भी है। क्या कुछ और आज के समीकरण आप देख पा रहे हैं? और फिलहाल चूंकि वोटिंग से जुड़ा हुआ सिलसिला जैसा मनवीर ने बताया वहां शुरू भी हो गया है, तो राजसमंद क्या कह रहा है और किस तरह के आज इंतजाम देख रहे हैं अविनाश? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन ने पुख्ता किए हैं और क्योंकि राजसभा में कल देर रात तक कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में राजनगर थाने में हंगामा चला, नारेबाजी का दौर चला। कारण था कि बीजेपी ने कांग्रेस के जो समर्थक है उनसे पैसे बांटने का आरोप लगाया और जो कांग्रेसी हैं उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप लगाया। उसके बाद से जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसने और सख्ती बढ़ा दी है क्योंकि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराना यहाँ के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। और कल जिस तरह से हंगामा हुआ वो लेके कहीं ना कहीं आज निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न हो वो यहाँ के प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा। राजसमंद जिले की बात करें तो 340 बूथों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और 2,22,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और क्योंकि निर्धारित समय है 7 बजे मतदान शुरू होने का और मैं पोलिंग बूथ के ऊपर हूँ और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे मतदाता जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। जो निर्धारित समय है आज सुबह 7 बजे का, तो ऐसे में मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और अब मतदाता धीरे धीरे पोलिंग बूथ की तरफ आ रहे हैं। आज आप देखिए कि एक महिला मतदाता है वो अपना सैनिटाइजर साथ में लेके आई है, तो जो इस जागरूकता की हम बात करते हैं वो जागरूकता मतदाता को भी दिखानी होगी और प्रशासन को भी दिखानी होगी। भाभी जी आपसे एक बात करेंगे, आप वोट कास्ट करना ही अपना सैनिटाइजर के साथ मिलाइए, क्या मैसेज देंगे आज तमाम मतदाताओं को जो यहाँ वोट कास्ट करने आएंगे? मैं तो यही चाहूंगी कि निष्पक्ष मतदान दें, जहाँ कोई कार्यकर्ता जहाँ सही ढंग से काम करते हैं उसे कोई पार्टी से संबंधित न रहें, बस अपना नेता ऐसा चुने कि जो देश का हित कर सके और समाज का हित कर सके। बिल्कुल, कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है लगातार, ऐसे में कई लोग ऐसे होंगे जो कि वोट कास्ट करने के लिए सोचेंगे, आप अपनी सुरक्षा भी साथ में लाएंगे जबकि यहाँ पे भी व्यवस्था है, ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे? जान है तो जहान है और हमें ये चाहना चाहिए कि सरकार जब हमारे साथ है तो हमें भी सरकार का साथ देना चाहिए और सबको जागरूक करते रहना चाहिए। और मैं आपको एक वो तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो वोटर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे पालना कर रहे हैं। आप देखिए एक कतार है, यहाँ पे गोले बना रखे हैं, इन्हीं गोलों के अंदर जो वोटर्स हैं वो खड़े हुए हैं और अपने वोट कास्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। और आप देखिए टेम्परेचर यहाँ पे चेक किया जा रहा है, जो प्रशासन की तरफ से पॉलीथीन के जो ग्लव्स हैं वो यहाँ पर ले रखे हैं ताकि जो भी वोट कास्ट करने जाए वो ग्लव्स पहन के और अपना वोट कास्ट करे। और अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पे जो मतदान कर्मी हैं उन्होंने यहाँ पर देखिए ग्लव्स पहन रखे हैं और तमाम तरह से वो सावधानियाँ बरती जा रही हैं कि जिससे किसी तरह का संक्रमण जो है वो नहीं फैले। धीरे धीरे यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और आप देखिए कि मतदाता
मतदाता जो है वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँचने लगे हैं और आज बड़ी चुनौती दो रहेगी निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया संपन्न हो और साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना हो उसको लेके इस बार राजसमंद जो निर्वाचन विभाग है उसने पोलिंग बूथों की संख्या को बढ़ाया है। 340 पोलिंग बूथ रहेंगे और जो पोलिंग बूथों के ऊपर जो जाप्ता रहेगा उसको अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया है ताकि अगर मतदाताओं की एक साथ संख्या बढ़ जाए तो उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जा सके और तमाम वो व्यवस्थाएं की जा सके जिसके तहत की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। जाहिर है विनाश और बहुत सारी व्यवस्थाएं इसीलिए की गई हैं कि सहूलियत रहे और इसीलिए पोलिंग बूथ बढ़ा दिए गए हैं ताकि जो मतदाता है उनको स्प्लिट किया जा सके, उनकी संख्या को बहुत ज़्यादा होने से रोका जा सके और कम संख्या में अलग अलग जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर जाके वो अपना वोट कास्ट कर सकें। सुजानगढ़ में इस वक्त रौनक व्यास मौजूद हैं। रौनक, जहाँ तक बात हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का आलम ऐसा है कि अभी से लगातार पारा लोगों को परेशान कर रहा है, तो ऐसे में कोशिश होती है कि सुबह के वक्त जब मौसम ठंडा है आप जल्दी से जल्दी जाएं वोट कास्ट करके चले आएं, तो क्या उसका उसी तरीके की कोई तस्वीर दिखाई पड़ रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल आशीष, देखिए बात करें सुजानगढ़ सीट की तो चुनाव को लेकर जिस तरह की गर्मा गर्मी दिखी वैसा ही मौसम राजस्थान का इस बार है और उसके बीच अब सुबह से ही वोटर्स का मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। एक तस्वीर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, पूरी तरह से कोरोना का काल, ऐसे में सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और उन तमाम गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर किया गया है जो कोरोना के मद्देनज़र सरकार की तरफ से जारी की गई है। आप देखिए कि पूरी तरह से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की व्यवस्था है, साथ ही साथ थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हालांकि देखिए इस बार की तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि आप देखिए जो बॉर्डर पर तैनात जो जवान होते हैं बीएसएफ के, उनको यहाँ पर खास तौर पर सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर तैनाती दी गई है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, शांतिपूर्ण मतदान हो। मतदान केंद्रों के भीतर की तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, किस तरह से यहाँ पर जो जिनको मतदान संपन्न करवाना है कर्मचारी जो यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर पूरी तरह से जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ ख्याल रखा जा रहा है, आने जाने वाले जितने भी वोटर्स है उनको यहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है। अंदर की तस्वीर है मतदान केंद्रों पर, विशेष तौर पर जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर अगर बात करें सीसीटीवी कैमराज यहां पर लगाए गए हैं और चाक चौबंद जो कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था। हालांकि देखिए सुजानगढ़ सीट की अगर मैं बात करूं 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जिनका 275,000 वोटर्स जो है वो उनके भविष्य का फैसला जो है आज करने वाले हैं, यानी जो पिछले लंबे अरसे से जो गांव गांव घूमकर वोट मांग रहे थे जो मैदान में थे उनका फैसला आज यहाँ के सुजानगढ़ की जो जनता है वो यहाँ पर करेगी। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच आप देखिए कि लगभग 2600 के करीब सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ अति संवेदनशील के तौर पर माना जाता है और उसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। हालांकि देखिए जो मुख्य द्वार की तरफ मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ आपको, यहाँ पर जो प्रक्रिया यहाँ पर तय की गई है कि आपको अपने साथ मास्क लाना होगा, साथ ही साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करनी होगी। आप देखिए सैनिटाइज यहाँ पर किया जा रहा है, जो लोग बगैर मास्क पहुँच रहे हैं उन्हें मास्क भी यहाँ पर वितरित किया जा रहा है, यानी इस बार का चुनाव आम चुनाव के मायनों में कुछ अलग है कोरोना के चलते, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के पेशेंट यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जी आशीष, गुजाहिर है सुरक्षा के बंदोबस्त हैं और आपको संक्रमण से भी बचाया जा सके, वहाँ से भी सुरक्षित रखा जा सके, इसके भी अलग इंतजाम दिखाई पड़ रहे हैं।